एवरीवन, वेलकम टू चैनल हुनर मुस्कान का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज हम लोग बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम चिल्ली। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं तो। बहुत ईजी है घर पे बनाना। इसके लिए सबसे पहले मशरूम लेंगे, उसे अच्छे से साफ कर लेंगे, टंडियां निकाल लेंगे और इसे पीसेस में कट करेंगे। अच्छे से पानी से पहले धो लें, जैसे उसका बाहर का आउटर मट्टी जो है पूरा निकल जाए। उसके बाद इसे हम लोग उबाल लेंगे। उबालने में आप इसे डायरेक्ट पैन में भी उबाल सकते हैं या कुकर में डाल के इसे 3 से 4 सीटी लगवा सकते हैं। पैन में डाल लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट उबाल लेंगे। उसके बाद अभी ग्रेवी बनाएंगे इसकी। पैन में पहले तेल लेंगे, उसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, या चॉपर में चॉप कर लें, शिमला मिर्च, ग्रीन ओनियन का जो वाइट पार्ट रहता है वो डालेंगे। मैंने लहसुन की क्वांटिटी ज्यादा ली है अदरक के कंपेयर में, 2 लहसुन ली है और अदरक जो है 2 इंच लिया है मैंने। सोया सॉस डालेंगे, चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस, सब 2-2 चम्मच डालने हैं। अच्छे से कुक करेंगे। अभी इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, सॉसेस में भी नमक है वो हिसाब से डालें, शक्कर 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे पानी 1/2 ग्लास, अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो थोड़ा ज्यादा डालें। इसे अच्छे से उबाल लेंगे हम लोग। लहसुन की क्वांटिटी ज्यादा डालने से इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। अच्छे से चॉप करके काफी क्वांटिटी में लहसुन डालें। इसे अच्छे से उबाल लेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ मशरूम। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा कुक करेंगे इसे और। उसके बाद धनिया डालेंगे इसमें, स्प्रिंग ओनियन ग्रीन पार्ट, अभी व्हाइट पहले डाला, ग्रीन अभी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 5 से 7 मिनट पकाना है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर का पानी। कॉर्नफ्लोर और पानी को मिक्स करके पेस्ट बनाना है वो डालना है, जिससे ग्रेवी थिक हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल थिक हो गई है। अभी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालना है कि इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो गैस बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।